मैं तो बात करूंगा कि जब से हमारा झारखंड का जन्म हुआ है तब से कौन कौन लोगों ने राज किया हमारे झारखंड के ऊपर, और जिन लोगों ने भी राज किया वे सभी लोग हमारे राज्य की दुर्दशा के दोषी हैं। कैसा काम कर रहा है वो भी बहुत बदहाल स्थिति में, उनकी भी काम से हम लोग संतुष्ट नहीं है, और इसीलिए तो आज युवा वहाँ आक्रोश में है। न तो एक स्थानीय नीति दे पा रही है वहाँ की सरकार, किसी ने भी, चाहे NDO हो UP हो, किसी ने भी एक स्थानीय नीति। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं हेमंत सोरेन काम नहीं कर रहे, अभी जब उनके ऊपर छापेमारी हुई थी तो उन्होंने कहा कि हम तो झारखंड का विकास चाहते हैं पर हमें करने नहीं दिया जा रहा। मैं छापेमारी पर बात नहीं करूंगा और उनकी बयानबाजी पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये सरासर तमाम ये जो चीज़ें हो रही है ये एक राजनीतिक परिदृश्य है, और मैं राजनीतिक परिदृश्य पर नहीं बात करूंगा। जो हकीकत है झारखंड की, जो जमीनी हकीकत है, हम लोग उसको लेकर के बात कर रहे हैं कि झारखंड के जो युवा है वे आज पलायन की स्थिति में है। 10 से 15 लाख युवा हर साल बाहर की तरफ जाते हैं। अभी आप देखिएगा यहाँ दिल्ली में हमारे लगभग 3 लाख से अधिक लोग हैं। आखिर क्यों है? अगर वहाँ मिनरल्स है, उद्योग है, कल कारखाने हैं, तो हमारे लोगों को रोजगार क्यों नहीं, हमारे हाथों में काम क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसीलिए ना NDA ना इंडिया, हम यूथ के साथ रहेंगे, हम उसी की बात करेंगे जो माटी की बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोतीलाल मांगा। मोदी जी आप बताइए 2024 में किसे प्रधानमंत्री? 2024 में प्रधानमंत्री की तो बात नहीं है, हमें करनी भी नहीं है। हम अपने झारखंड से जो नेतृत्व देंगे झारखंड में, उस सांसद को हम लोग चुन के भेजेंगे, जो जैसे हमारे झारखंड में बहुत सारे महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी है, उन कंपनियों ने बहुत सारे लैंड एक्विजिशन किए हैं। जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी मुद्दे में वाटर पॉल्यूशन है, लैंड एक्विजिशन, ये सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को केंद्र सरकार हैंडल करती है, केंद्र सरकार, हमारी सांसद जो है केंद्र सरकार के पास ये बातें नहीं रख पाती। हम उन सांसदों को चुन के भेजेंगे जो हमारे इन मुद्दों को यहाँ के संसद भवन में आके उठाए। हमारे जो सांसद आते हैं वहाँ से चुन के बोका धंधा मतलब बेवकूफ चुन के आते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। हम लोग बोका धंधा मतलब बेवकूफ हम लोग के शब्दों में वहाँ होता है, तो ऐसे लोग चुन के आते हैं जो हमारे यहाँ पर सवाल ही नहीं उठाते। हम अगर सांसदों के आंकड़े देखें जो हमारे सवाल उठाते हैं, कुछ कुछ तो सांसद हमारे ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक 10 साल के कार्यकालों में, 5 साल के कार्यकालों में 0 सवाल उठाए। कभी वाटर पॉल्यूशन की बात नहीं की है, कभी लैंड पॉल्यूशन की बात नहीं की है, कभी इस तरह के बहुत सारे जनहित के मुद्दे हैं जो यहाँ के सरकार, यहाँ की जो सांसद है वो उठा नहीं पाते। तो जो हमारी बातों को उठाएंगे हम उन्हीं को चुन के भेजेंगे, ना BJP ना NDA ना इंडिया, नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। जो आपकी बात करेगा आप उसकी बात करेंगे, बस देखिए, निर्दलीय रहे चाहे BJP से रहे चाहे इंडिया से। देखिए मेन बात ये है कि झारखंड की जो समस्या है उस पे ही अगर कोई सरकार या पार्टी बात नहीं करेगी तो जनता जो है वो उस पर क्यों भरोसा करे और क्यों आखिरकार जो उसे वोट दिया जाए। और इन लोगों की जो है वो वही बात है, वही समस्या है, जैसा कि इन्होंने कहा कि कोई सरकार पार्टी नहीं कर रही।